नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शेखाना में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर AIIMIM के पदाधिकारियों ने की समीक्षा बैठक। कन्नौज शहर के शेखाना मोहल्ले में मंगलवार की देर शाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिला इकाई द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष इशरत खान समेत पार्टी के पदाधिकारियों ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कई युवा चेहरों ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मजलिस के दामन को थाम लिया। इस अवसर पर मजलिस के जिला अध्यक्ष इशरत खान ने कहा कि नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों की अनदेखी की, जिसके चलते मुसलमानों को वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वह असल हकदार हैं। उन्होंने वरिष्ठ समाजवादी नेता रहे शब्बीर उर्फ कल्लू पठान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, आज समाजवादी पार्टी ने उनके परिवार को नजरअंदाज कर अनदेखा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज इन नाम निहाद सेकुलर पार्टी को सबक जरूर सिखाएगा। कन्नौज से जिला संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम था, कौन कौन लोग शामिल हुए कार्यक्रम? ये कार्यकर्ता सम्मेलन था जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विधानसभा इलेक्शन को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थी। और आज ये फख्र की बात है हमारे लिए कि तीन पीढ़ियों से जो सेकुलर दलों में, जिसमें स्पेशल बोलेंगे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला शेखाना, तीन पीढ़ियों से वो लोग थे, वो आज हमारे साथ शामिल हुए माशाल्लाह। और ऐसे ही नहीं, आप कैमरा घुमाएंगे दिखाई पड़ेगा, कम से कम 200 की तादाद में माशाल्लाह शामिल हुए, जिसमें हमारे भाई रेहान भाई, जिनके वालिद मोहतरम ने बड़ी कुर्बानियां दी इन सेकुलर दलों में से समाजवादी पार्टी के लिए, अपनी जान निछावर कर दी। कौन आज ऐसा करता है, उसके बाद हमारी अनदेखी की जाती है, उसके लिए मैं गवाह क्या, हमारा भाई गवाह है और ये अवाम गवाह है कि किस तरीके ज्यादतियाँ की गई, कितने मुकदमात लगाए गए और उसके बाद अनदेखा किया गया, इनका जवाब देना है। और मजलिस एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से इनको जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।